आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। कोविड 19 से सुरक्षित रहने के लिए सीआईएसएफ बल सदस्यों ने दी नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति। देशभर में फैले कोरोना महामारी के प्रकोप को लेकर रहवासी लापरवाह नजर आ रहे थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि वर्तमान में हर नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया, जिसकी रोकथाम को लेकर एक बार फिर शासन प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है, जिसके चलते प्रशासनिक स्तर पर नगर में जागरूकता रैली, मास्क वितरण के साथ ही मास्क की चलानी कार्रवाई की जा रही है। खरगोन जिले के बड़वाह में कोविड 19 के चलते आए दिन पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि पुनः होने लगी। ऐसी स्थिति में नगरवासियों और ग्रामवासियों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। आपको बता दें, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जवानों द्वारा पूर्व में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके बाद सोमवार सुबह डीआईजी हेमराज गुप्ता के निर्देश पर बल सदस्यों द्वारा नगर के एमजी रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर परिसर के बाहर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई, जहां सीआईएसएफ जवानों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को कोरोना बचाव के लिए मास्क लगाना, अन्य सदस्यों से दूरी बनाना और अन्य लोगों को कोविड 19 से सुरक्षित रहने के उपाय बताए। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। इसमें बाइट है लास्ट में सीआईएसएफ जवान की। क्या गया है सर? यहाँ पे हमारे डीआईजी साहब के निर्देश अनुसार एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया है और जनता में हम यही संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना की जो महामारी है वो अब बहुत ज़्यादा फैल गई है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने प्रस्तुत किया है कि कैसे सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, कैसे बिना डॉक्टर के बताए अनुसार दवाई नहीं लेना है और साथ में ही कैसे मास्क का यूज़ करना है। क्योंकि अभी देखा जाए तो अभी जनता में इसका जो खौफ है, डर है, वो बहुत कम रह गया है, लेकिन महामारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, तो उसको रोकने के लिए, जनता को दोबारा जागरूक करने के लिए हमारे डीआईजी साहब श्री हेमराज गुप्ता के आदेश के अनुसार हमने ये नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया है और लोगों को जागरूकता प्रदान किया है। ओके, धन्यवाद।